ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। पिछले दिनों जो है एनसीपी के एक नेता आनंद परांजपे ने हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद एमआईएम के जो सैफ पठान है उन्होंने जो है एक मोर्चा निकालने के लिए यहां परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद आज यहाँ पर कुछ लोग जो है एमआईएम पार्टी के और जो है यहाँ पर नईम खान साहब हैं, ये लोग जो है यहाँ पर आज जो है एक विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ, यानी उनके माफ़ी मांगने के लिए ये लोग जो है यहाँ पर आज विरोध जता रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, एमआईएम पार्टी के सैफ पठान। सैफ पठान, आप लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, आप लोग कह रहे हैं, क्या है आपका? देखिए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू, यहाँ के जो MLA आमदार जितेंद्र अवार्ड, एक दिन उनके यानी लाइव से आकर के 3 बजे आनंद परांजपे साहब ने कुछ धरना आंदोलन करे थे, और उसमें उन्होंने जो हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है उनकी शान में गुस्ताखी की, उनका कंपैरिजन माजल्ला यानी किसी ऐसे व्यक्ति से किया जो एक हलके का यानी CM है सिर्फ, तो इसके खिलाफ मुस्लिम समाज में काफ़ी यानी नाराजगी थी, और उसके लिए काफ़ी सोशल मीडिया पर यानी उसका अपोज भी हो रहा था, उनसे कंटिन्यूसली अपील हो रही थी कि आप इसके खिलाफ माफ़ी मांगे नहीं तो हम लोग सब रोड पर उतरेंगे, लेकिन वो इतने घमंडी और क्या पता उनको किस बात का घमंड है कि उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, जबकि सेम वाकया जब हुआ था संजय निरुपम ने जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी, तो जब उसने माफ़ी मांग ली थी लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो इससे यही साबित हो रहा है कि इन्होंने ये कोई गलती से नहीं किया, इन्होंने जानबूझ करके हमारे समाज को चोटित करने के लिए, उनकी भावनाओं को चोटित करने के लिए जो ये की है उसके खिलाफ आज हम लोग सब धरने आंदोलन पर हैं। नईम खान साहब, आप भी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? इस मुद्दे पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आनंद परांजपे को 2 बार सोचना चाहिए था किसके बारे में बोल, वो एक हिंदुस्तान का बादशाह रह चुके हैं, हमारे उनको मूल आलम का दर्जा मिला हुआ है, और आज उनके बारे में वो दुनिया में है नहीं, आज मुसलमानों के एक बहुत चाहने वाले बादशाह में रहे और उनकी ज़िंदगी ऐसी रही है। अभी उन्होंने CM से तुलना की, आज CM जो सूट पहनता है ना, अगर आप औरंगजेब की पढ़ेंगे तो वो आपने टाट पहना हुआ है, आपने एकदम फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने अपनी रियासत के पैसे के बलबूते पे अपने ऊपर कभी खर्चा नहीं किया, वो एक ही बादशाह थे जिन्होंने कुरान शरीफ अपने हाथ से लिखी हुई, और उनकी कुरान शरीफ जो हाथ से लिखा हुआ है वो ऐसा है, अगर आज दुनिया में उसको वो कुरान शरीफ का हदीये के सिर्फ आवाज़ देंगे तो करोड़ों रुपये में वो कुरान शरीफ जाएगी, तो ऐसे आदमी की तुलना कैसे आदमी से करें। अबे ये BJP और सेना का तो काम ही यही है, क्योंकि मुसलमानों के बारे में बोलो और अपना शाइन करो, और अंग्रेज़ तो खुद सिखा के गए तुमको, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगे तो अंग्रेज़ों ने एक सिखाया कि तुम कुछ भी बोल दो लेकिन एंड में सॉरी बोल दो, तो ये सॉरी बोल दें तो ये किस्सा ख़त्म हो जाए, बस मेरा इतना ही कहना है। यानी आपकी मांग है कि जो है माफ़ी मांगे? तो लाजे हर एक की मांग है, हर कौम की मांग है। आप देखिए, उन्होंने हम लोगों के बारे में तो कुछ कहा नहीं, हम लोगों के बारे में होता तो मुंह काले हो जाते, ये होता मारम पिट्टी हो जाए दुनिया भर, क्योंकि आज जिंदा है हम लोग, जिंदा हैं, जिंदा आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो इस दुनिया में है नहीं, जिन्होंने बादशाहत की है, जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया, और ऐसा वैसा राज नहीं किया, 1 साल 2 साल 5 साल किया उन्होंने, काफ़ी साल उन्होंने राज किया हुआ, तो ऐसे बारे में जो दुनिया में नहीं है उसकी तुलना किसी से करना नहीं चाहिए। इस मुद्दे को जिसने तुल दिया था सबसे ज़्यादा अजीज़ बाटा, जो फेसबुक लाइव आकर अपनी बात रखी थी इस मसले पर, और वो भी इस जो विरोध जताया जा रहा है इसमें मौजूद है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अजीज़ बाटा साहब, आपने ही इस मुद्दे पर सबसे पहले अपनी बात फेसबुक लाइव के ज़रिए रखी थी, और इसको लेकर आपने जो है एक आंदोलन का पैदल यात्रा का जो है परमिशन भी मांगा था, लेकिन आपको परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद आज आप लोग यहाँ अंबेडकर चौक पर जो है एहतियात कर रहे हैं कि माफ़ी मांगी तो मांगी जाए, तो क्या आपको लगता है कि माफ़ी मांगने से ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, ऐसा है ना कि माफ़ी मांग लेने से बड़ा अल्लाह भी बोलता है कि बड़े से बड़ा गुनाह मैं माफ़ कर दूँगा, तो हम लोग तो मखलूक है, और हम हमारे वलियों की मोहब्बत में ये सब कर रहे हैं, हमारा कोई जाति इसमें कोई मतलब नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर माफ़ी मांग लेगा तो, मेरा ऐसा मानना है, और मैं मेरे सब बड़े भाई छोटे भाई जो भी मेरे साथी हैं यहाँ बैठे सबसे ये इल्तिजा करूँगा कि अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो हमको उसे एक मौका दे देना चाहिए, किसे
उसे दे देना चाहिए, लेकिन उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए जो महीने भर से खामोश बैठा है, जो बाजू में खड़े रह के घंटी बजा रहा था, उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ के हमारे मुस्लिम वोटों की राजनीति करता है। और वहाँ पर हमारे जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्तागी हो रही थी तो वो हंसते हुए घंटी बजा रहा था, तो उसकी बिल्कुल भी बख्शिश नहीं होना चाहिए। ये मैं पूरे मुमरा कोसा बल्कि पूरे आलिम मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि ये चीज़ को ध्यान रखो, जो अपने आप को माइनॉरिटी का लीडर बताता है वो इस मामले में साबित हो गया कि वो माइनॉरिटी का लीडर नहीं है बल्कि सिर्फ चोला पहने हुए है। आप कह रहे हैं माइनॉरिटी का लीडर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी पत्नी है उसी पार्टी से नगर सेविका है और आप जो है उसी पार्टी के जो नेता हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पे लेकर उन्हीं पे खिलाफ हैं, लेकिन और भी जो मुस्लिम समाज यहाँ का है और जो एनसीपी के नेता है वो लोग आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं इस मसले पर? देखिए ऐसा है ना कि सबका अपना अपना सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी का अपना ईमान होता है, समझे ना, ईमान में किसी की कमी होती है किसी की बढ़ोतरी होती है। तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यहाँ जो लोग बैठे और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इतने दिनों से जो फॉलो कर रहे हैं और जो बेचारे फिक्रमंद है जो दुआ कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं पक्का ईमान वाला मानूंगा। कौन पार्टी दिन से आप लोग विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आज जो है आप लोग यहाँ पर भी बैठ गए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। माफ़ी मांगना की बात अभी तक सामने नहीं आ रही कि हम माफ़ी मांगेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं आज के इस धरने प्रदर्शन के बाद तो अगला स्टैंड आप लोग का क्या रहेगा? कल जुमा बाद नमाज ही हम लोग का स्टंट नहीं रहेगा, हमारी ये मेहनत रहेगी कि आने वाले इलेक्शन में इस पार्टी के जो भी कैंडिडेट रहेंगे, जो साथ में घंटी बजा रहे थे वो, या जो भी कोई दूसरा कैंडिडेट रहेगा, उसको हम लोग साथ नहीं देंगे। मुस्लिम कौम जो है ना उनका साथ नहीं देंगी। हम घर घर जाकर अपील करेंगे और लोगों को हकीकत बताएंगे। हर लोगों को ये बात मालूम नहीं पड़ी है, लेकिन जब मालूम पड़ेगी कि हुजूर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो एक बड़े अपने टाइम के पाए के बुजुर्ग कहलाए जाते थे, जो बादशाह होने के बावजूद भी जो है ना अपना पेट पालने के लिए टोपी बुनते थे, ऐसे वली अल्लाह की शान में गुस्तागी करने वाले पार्टी का साथ नहीं देना है। ये हम लोग की अपील रहेगी, हर आदमी हर बच्चा हर बूढ़ा जो यहाँ खड़ा चुनाव में वोट ना दे, घर घर जाकर आप ये संदेश देंगे कि हम हजरत रहमतुल्लाह अलैह तौहीन में जो है उनको वोट ना दिया जाए? ये हाँ ये विरोध होगा, ये उस पार्टी का विरोध होगा जिस पार्टी के अध्यक्ष ने हमारे बुजुर्ग की जो है वली अल्लाह की शान में गुस्तागी की है। सलाम भाई, जिस तरह से आज विरोध हो रहा है इसको लेकर आप क्या कहें? बिल्कुल एकदम सही, ये विरोध हो रहा है ताकि इन लोगों को पता चले कि मुसलमानों के नाम पे जो राजनीति करने वाले नेता हैं, जो सेकुलर का चोला पहन के राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों की, वो देखो आज हमारे वली अल्लाह का कितना उनके खिलाफ कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को हम माफ़ नहीं करेंगे और मुमरा के तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि देख लो ये मुमरा के जो सेकुलर लीडर है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, उन्हीं के साथ में उन्हीं का अध्यक्ष हमारे वली अल्लाह के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, क्यों नहीं इन्होंने बोला माफी मांगने के लिए? इनसे बड़ा लीडर था वो, क्या नाम था कांग्रेस का, संजय निरुपम, जब उन्होंने ऐसा किया तो ताबड़तोड़ उन्होंने माफी मांगी, और ये क्यों नहीं माफी मांग रहे मुसलमानों से? खाली वोट लेने आना है अभी 10 दिन के बाद। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का साफ कहना है कि जो आने वाला चुनाव है कहीं ना कहीं जो है एनसीपी को ये चुनाव भारी पड़ सकता है। जो अजीज बाटा है उनका साफ कहना है कि जब अगर माफी आनंद परांज पे नहीं मांगेंगे तो ये लोग घर घर जाकर इसकी जानकारी देंगे। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।